हेलो नमस्कार, आज हम आपके सामने जलेबी बनाएंगे। एक कटोरी मैदा लिए हैं, चुटकी भर रेड फूड कलर लिए हैं, आधी चम्मच इनो पाउडर लिए हैं। बस हम चीनी सामान से जलेबी बनाएंगे और इस तीनों चीज़ को अच्छे तरीके से हमें मिलाना है। अब थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका अच्छा से बैटर में तैयार करना है। पानी एक बार सारा ना डालें, नहीं तो बैटर गीला हो जाएगा। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से बैटर को एकदम अच्छे तरीके से इसको हमें मिलाना है, फेंटना है इसको। आप जितना इसको फेंटोगे जलेबी उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो इस तरीके का बैटर हमें तैयार लेना है। एक पैन लिए हैं, उसमें कटोरी चीनी डाल दिए हैं। उसी कटोरी से आधी कटोरी हमें पानी डालना है। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिए, इससे कलर अच्छा लगता है। दो इलायची को कूट कर डाल दिए हैं और चार, ये इसे कि हमें चाशनी बनानी है, कोई इसमें तारोर नहीं आनी चाहिए, ये सिर्फ चिपचिपी चाशनी तैयार होगी। एक दो मिनट में हम इसे उतार लेंगे और इसे अपने उंगलियों पर लगाकर देखिएगा, चिपचिपी है तो चाशनी तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम इस पन्नी में ही आप जलेबी बनाएंगे। ये रिफाइंड ऑयल का पन्नी है, आप एक डब्बे में भी डाल के बना सकते हो। इस बैटर को इसमें हम डालेंगे। और इसमें हम रबर लगाएंगे। नीचे का कोन हम काटेंगे और तेल हमें गर्म करना है, फुल फ्लेम पे गर्म कर देना है तेल को। और सारी जलेबियों को इसी तरीके से हमें डालते जाना है। इसको उलट पलट भी करेंगे। देखिए कितना सुंदर जलेबी लग रहा है। अभी जलेबी तैयार है, इसे हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालकर इसके ऊपर से अच्छे तरीके से चाशनी में डुबोना है इसको। देखिए कितना सुंदर जलेबी लग रहा है। देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि किस तरीके से जलेबी बनाएंगे हम। और ये देखिए हमारा झटपट जलेबी तैयार हो चुका है। आप भी बना सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसे भी हम चाशनी में डुबो देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा होगा। तो देखिए हमारा जलेबी तैयार हो चुका है। कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त पर जलेबी ज़रूर खाना चाहिए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, जैसा शेयर करें, अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तो थैंक यू।